दसवीं कक्षा के सभी विद्यार्थियों का बहुत बहुत हार्दिक स्वागत है विजय कुमार माय न्यू क्लासरूम पर। आज हम लेकर आए हैं आपके लिए संस्कृत विषय और ये है आपका पांचवा पाठ जननी तुल्य वत्सला। कल आपका सेट है संस्कृत का। जिन विद्यार्थियों के पास संस्कृत है ये वीडियो स्पेशल उन्हीं के लिए है और हम लेकर आए हैं अभ्यास के प्रश्नोत्तर जो कि आपकी परीक्षाओं में पूछे जाने की संभावना है। अभ्यास में से हमने उन्हीं प्रश्नों को चुना है जो परीक्षा में आ सकते हैं। तो स्टार्ट करने से पहले मैं कहना चाहूँगी कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आने वाली वीडियोज़ की नोटिफिकेशन भी आपको मिल जाए। चलिए स्टार्ट कर लेते हैं। मोस्ट इम्पॉर्टेंट है प्रश्न निर्माण, ठीक है। ये तो आते ही आते हैं, चाहे अंक एक में आए या दो अंकों में आए, ठीक है। आप पहला देखिए, सह कृच्छेण भारम उद्वहति। तो इसमें आपने ये जो अंडरलाइन है, आपके एग्ज़ाम में भी ऐसे ही एक पद शब्द या शब्द जो है अंडरलाइन होगा, ठीक है। आपने उसके स्थान पर जो है प्रश्नवाचक पद बताना है कि कौन सा आएगा। अभी मैंने साइड में एक ब्रैकेट में केन भी लिखा हुआ है और इसके नीचे कथम भी लिखा हुआ है। इन दोनों में से कोई एक आएगा, अर्थात ये दोनों भी आ सकते हैं, ठीक है। अगर आप केन लिखते हैं वो उसके भी आपको पूरे अंक मिलेंगे और यदि आप कथम लिखते हैं उसके भी आपको पूरे अंक ही मिलेंगे। ये दोनों ही यहाँ पर उचित हैं, सूटेबल हैं। और जब आप इस पूरे वाक्य को, अभी तो ये वाक्य सीधा दिया हुआ है इन्होंने, लेकिन जब आप इसका प्रश्न निर्माण करेंगे तो आपने लास्ट में देखो प्रश्नवाचक चिन्ह भी बना हुआ है, रेड स्केच से जो प्रश्नवाचक चिन्ह बना हुआ है ये आपने ज़रूर लगाना है। अगर आपका ये करेक्ट है, मान लीजिए आपने कथम तो लिख दिया, ऐसा कैसा सह भी लिख दिया, भारम उद्वहति ये भी लिख दिया, लेकिन आपने प्रश्नवाचक चिन्ह नहीं लगाया तो आपका वो पूरा का पूरा गलत हो जाएगा, उसके आपको अंक नहीं दिए जाएंगे। तो इसलिए आपने जो शब्द है चेंज करने वाला वो भी चेंज करना है और लास्ट में जो है आपने क्वेश्चन मार्क भी डालना है। नेक्स्ट है सुराधिपः ताम अपृच्छत्। सुराधिपः किसके लिए यूज़ है? इंद्र भगवान के लिए। तो यहाँ पे कह आ जाएगा, पुल्लिंग में आ जाएगा ये, और लास्ट में क्या आ जाएगा? क्वेश्चन मार्क, प्रश्नवाचक चिन्ह। अयम अनेभ्यो हो दुर्बलः। अनेभ्यो में के भय भी आ सकता है और के भयो भी आ सकता है, आप दोनों में से एक लगाएंगे, दोनों ही उचित हैं, कोई आप एक इसमें डाल सकते हैं, ठीक है। धेनु नाम माता सुरभि ही आसीत। धेनु की माता सुरभि थी। तो अब आपने क्या करना था, यहाँ पे बताना है कि कौन सा करेक्ट है। कस्याम भी आपको दिया मिलेगा, कस्याम जो है वो गलत है, कासाम और काम इनमें से आपने एक चूज़ करना है, ये दोनों ही ठीक हैं। देखिए पहल जो उत्तर है इसका क, केन या कथम, ये दोनों करेक्ट हैं। के भय और के भयो ये भी दोनों करेक्ट हैं। कासाम और काम ये भी करेक्ट हैं। पांचवा क्या है हमारे पास इसमें, सहस्त्र आधिकेशु पुत्रेशु सत्स्वपि सा दुखी ही आसीत, ठीक है। अब इसमें देखो केशु लिखा हुआ है, ये केशु जिसको हमने रेड बुक्स में डाला हुआ है ये भी एक प्रश्नवाचक पद है, आप इसको भी यहाँ पे डाल सकते हैं, और कतीशु ये भी आप डाल सकते हैं। अगर आप केशु लिखते हैं तो भी करेक्ट है, कतीशु लिखते हैं तो भी करेक्ट है, ठीक है। चलते हैं संधि विच्छेद और संधि, ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, ये जो पार्ट है आपके चैप्टर का संधि विच्छेद और संधि, ये तो आएगा ही आएगा। इसी के आधार पर आपका पूरा चैप्टर टिका हुआ था क्योंकि ये व्याकरण है, ठीक है। तो पहला देख लीजिए कुर्वन्नासीत, आपने इसका संधि विच्छेद करना है। देखिए ज़रूरी नहीं है कि इसका संधि विच्छेद ही आएगा, संधि विच्छेद देकर आपको ये भी लिखा जा सकता है कि संधि कीजिए, ठीक है। तो आप दोनों ही ध्यान से देखते चलिए कहाँ पर विसर्गे हैं, कहाँ पर हलंत है। कुर्वन धन आसीत ये इसका संधि विच्छेद है और पूरा रूप क्या है, कुर्वन्नासीत। तयोरेकः तयोः धन एकः। नोतिथ न जमा उतिथ। सत्स्वपि सत्सु जमा अपि।
ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है। कुर्वन्नासी जो है वो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, आगे ये प्रकृति प्रत्यय में भी आने वाले हैं। संधि विच्छेद ही चल रहा है अभी तो हमारा, ये है तथा जमा अपि जमा अहम्। अभी देखो क्या लिखा हुआ है, तथा जमा अपि जमा अहम्, आपने इसको जोड़ देना है तथा अप्यह मेत अस्मिन, ये बन जाएगा इसका। नेक्स्ट है बहूनी जमा अपत्यानि, बहूनपत्यानि। जलो पलव्वह, जल जमा उप पलव्वह, ठीक है ये बन जाएगा इसका। और प्रश्न संख्या 3 है कि आपने क जो स्तंभ है उसको ख से मिलाना है, कैसे? अब आप पहला ही देख लो, कृच्छेण, कृच्छेण यानी कि कठिनाई से, काठिनयेन, समानार्थक देना है ना आपने स्तंभ में। ये विलोम नहीं है, ये समानार्थक पद है, ये भी बहुत मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, आते ही एग्जाम में। नेक्स्ट है चक्षुभ्याम, चक्षु क्या होता है, आँखें, नेत्राभ्याम। जवेन दत्तगत्या, इंद्र वासवः। नेक्स्ट है पुत्राः सुता, शीघ्रम अचिरम, बलिवर्दः वृषभः, ये सभी समानार्थी हैं। नेक्स्ट है प्रकृति प्रत्यय विभाग कुरुत, प्रकृति और प्रत्यय, ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट, आएगा ही आएगा इनमें से, चाहे एक आए लेकिन आएगा। यथा यानी कि उदाहरण के तौर पे दिया हुआ है श्रुत्वा, अब आपने इसकी प्रकृति बतानी है और प्रत्यय भी, हमारा उपसर्ग प्रत्यय पे वीडियो ऑलरेडी अपलोडेड है, आप वहाँ जाकर देख सकते हैं। अब देखिए कुर्वन्नासीत, ये संधि में भी आया था और प्रकृति प्रत्यय में भी, तो ये तो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, आई थिंक ये ऑप्शन में भी आ सकता है आपके पास, तो आपने इसकी प्रकृति और कुर्वन्नासीत है तो इसका आपने प्रकृति और प्रत्यय अलग अलग करना है, कैसे? कुर्वन जमा शत धन आसीत, ठीक है। तो शत जो है यहाँ पर प्रत्यय है, तो इसके आगे वो आप धातु वाला चिन्ह नहीं डाल सकते हो। दृष्टवा दिया हुआ है इससे नेक्स्ट, दृष्टवा तो दृश धातु है और कत्वा जो है इसका प्रत्यय है। नेक्स्ट पर चलते हैं, इससे नेक्स्ट है जानन, जानन में क्या होगा, जन जमा शत, शत क्या है प्रत्यय। विशिष्य, विशिष्य जो है ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, इसका देख लीजिए, वी जमा शिष जमा ल्यप, ल्यप प्रत्यय है। नीतवा में नी जमा कत्वा। पांचवा प्रश्न हम आपको बता रहे हैं, श्लोक व्याख्या आपने कैसे करनी है। मान लीजिए आपके पाठ में 3 श्लोक हैं, तो ये वाला श्लोक आ गया यदि पुत्र सहस्त्रम में, तो आपने क्या करना है, 5 अंकों का आता ही आता है, 5 या 4, इससे अधिक का तो श्लोक व्याख्या नहीं आती है। अब आपने क्या करना है, सबसे पहले आप लिखेंगे संदर्भ, संदर्भ कैसे लिखते हैं, यदि लिख करके डैश डैश डाल करके, लास्ट का क्या है कृपा, कृपा आप लिख देंगे, ये आपका संदर्भ हो जाएगा। अन्वय यदि आपको आता है, अर्थात इस श्लोक को ही एक बार संस्कृत में लिखना है, मान लीजिए जो आप व्याख्या कर रहे हैं इसकी, व्याख्या तो हम हिंदी में लिखते हैं लेकिन व्याख्या से पहले अन्वय होता है, यानी कि इसको सीधा करके संस्कृत में लिखना होता है, यदि आप वो लिख देते हैं तो आपका इम्प्रेशन और भी अच्छा जाएगा। उसके बाद प्रसंग, पुस्तक का नाम लिखना है, पाठ का नाम लिखना है, कहाँ से उद्धृत है, महाभारत के वन पर्व से उद्धृत है, ये सब आप लिखेंगे, इसके अंक मिलेंगे। और उसके बाद आप भावार्थ लिख दीजिए, समय यदि शेष है आपके पास तो आप शब्दार्थ भी लिख सकते हैं। इस तरह से आपको श्लोक की व्याख्या के भी पूरे अंक मिलेंगे। और कल आपका सेट है संस्कृत का, उसके लिए बेस्ट विशेज। आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी, चैनल को कीजिए सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक शेयर और कमेंट कीजिए और बताइए कि आपको वीडियो कैसी लगी। कल के लिए सभी 10th के संस्कृत के स्टूडेंट्स को मेरे साइड से बेस्ट विशेज, तब तक के लिए नमो नमः।